ये देख रहा है? ओ यार, ये देख रहा है छोटे से, ये देख, बाल मुसेट मंकी है ये, वर्ल्ड्स सेकंड स्मॉलेस्ट मंकी, क्या बोलता है? अच्छे लग रहे हैं वर्ल्ड्स। तू कौन सा वाला मंकी है? नॉर्मल मंकी है यार, होमो सेपियन। ओ भाई, बायोलॉजी स्टूडेंट है भाई अपना। चलो निकालो धीरज। आई अंकल, लकड़ी का जॉइंट है इसके। हाँ, इसके अंदर रहते हैं, सोना होता है। तो और कैसा लग रहा है ललित? बड़े लग रहा है, देखो ललित तेरा। और अभी हम इसके घर के अंदर रखेंगे, और अभी ये बहुत कुछ कांड वांड भी हुआ है, तो वो ललित बताएगा क्या हुआ है अभी, है ना? कुछ मुझे अभी आगे बात चला है। आज भाई इधर आ जाओ, ये देखो ये रहा अपना मंकी। हाँ भाई, नमन कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है। क्यूट है ना काफी? दोनों अच्छे हैं। हाँ, एक फीमेल एक मेल है क्या? एक फीमेल एक मेल, समझ रहा हूँ आपकी टेक्निक। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और एग्जॉटिक एकदम। और देखो अभी आराम से अंकल। हाँ, ये भी मैंने खरीदा भी नहीं अंकल, थोड़ा ध्यान से। और ललित, इसके लिए स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है? कहाँ रखना है इसको? यही पे ना? हाँ। नहीं नहीं, चूहे हुए से मतलब चूहा तो घुसेगा भी नहीं ऐसे। हाँ। और बाकी अगर चूहा हुआ है तो खा लेगा ये तो। और इसका खाना वगैरह ना मैं भी कुछ टाइम में दे जाऊंगा। बाकी अगर तुम्हारे घर में कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, देखो एक बार चेक करो। केले हैं, दिखाओ जरा, एक केला निकालो। एकदम क्यूट है ये, इसे तो ना जब खाना दोगे तो प्यार से खाना देना एकदम। तुम अगर खाना देते हो इससे, अगर तुम ऊपर से नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे, और मैं ही खाना देना हूँ यार, ऐसे तो कोई नहीं है। इसको कहाँ, इधर इधर ठीक रहेगा ये? हाँ, ऐसे सही रहेगा ये, कल ये हटा के ये रखा हो जाएगा ना। हाँ, या तो अभी अगर साइड वेट करने तो कर दूँ, अभी कर देता हूँ इसको। हाँ, अभी कर देते हैं साइड, सेट कर देता हूँ आराम से बैठ लेंगे। कहाँ साइड करना है इसे बताओ, हम इसको बढ़िया जगह स्पेशल शिफ्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर सेट कर, इसको हटा करके यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ताकि इसका बाथरूम इधर है, मोटर चलेगी, आने जाने दिक्कत हो। नहीं बात तो ठीक है, या नहीं तो यहाँ पर, यहाँ नहीं अंकल, यही बेस्ट लग रहा है मुझे ये। ये बेटा, इसको हम थोड़ा साइड रख सकते हैं क्या? हाँ। ये पूरा बक्सा अगर उठा के हम साइड में रखते हैं, नहीं बक्सा रहने दीजिए। और जरा अब इसको थोड़ा साइड करते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा ना तुम्हारा मंदिर वाला सामान भी है, पहले तुम बारी बारी पकड़ो। और अभी क्या है कि यार, अभी मुझे ना घर जाके एडिटिंग करनी है, ठीक है? इसलिए मैंने अपने घर पे नहीं दिखाया, बस अंकल को बुला लिया है, और चुपके से ऊपर से मेरी कजन है तो देख ही लिया है, लेकिन हाँ पापा मम्मी को स्पेशल दिखाएंगे शायद से, होपफुली कल दिखाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये अलग से रखा गया है ना। मम्मी को तो अभी मम्मी डरी भी होगी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देखने का, तो मजा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना, सरप्राइजिंग माई पेरेंट्स विद आर पेट मंकी, टाइटल तुम लोगों को पता है, और तुम लोगों को पता होता है हर बार, है ना? आओ अब जरा। अच्छा यार, इधर तो प्रॉपर मंदिर है, फिर इसको हटा सकते हैं ना? जरा तुम हटाओ, कहते कहते हटाना है। अच्छा, ये वाला मंदिर यूज नहीं होता? नहीं, एक साल तक। अच्छा, मतलब एक साल तक आप पूजा भी नहीं कर सकते? हम जनरली अभी क्या है कि काफी साइडफिल भी बताते हैं। हाँ, ललित के जो फादर है अभी कुछ टाइम पहले उनका देहांत हो गया था, है ना? तो इस वजह से मतलब थोड़ा पूजा पाठ भी नहीं कर सकते एक साल तक कुछ। आप उसमें उत्तराखंड में होता है ना ऐसा? हाँ। क्योंकि हमने अपने में तो सुना नहीं शायद। आओ यार, इसको जरा ट्राई करते रखने की। वॉश मशीन यूज करते हो ये वाला? नहीं। हाँ। करते हो? नहीं, अब तो खराब रखा है। खराब रखा है ना? हाँ ठीक है, तब लगा दो। ध्यान रखना पड़ता है ना यार, मतलब हम अपनी ऐसी चीजें थोप भी सकते हैं इन पे, इनका भी घर है, तो उसी हिसाब से मतलब पूछ के मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे घर में बोला गया है कि ऐसा भी नहीं कि पूरा ही थोप देने का। क्यों धीरज? हाँ। सही बात है ना, हर किसी का घर है अपना, तो तुम अपने हिसाब से यहाँ पे। अच्छा, किताब लगा रहे हैं कि किताब की जरूरत नहीं है क्या? कौन सी किताब है? पुरानी है ना। अच्छा, पुरानी है, लगा दो, लगा दो, कोई दिक्कत, जो भर चुकी है कॉपी। हाँ हाँ हाँ, लगा दो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए इन्हें। हाँ। और अब देखो मतलब कहीं ना कहीं ये सेटअप थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है टेम्पररी बेसिस में, क्योंकि जब मुझे मन हो तो मैं अपने आप इसको ऊपर ले आया करूंगा सीधा। पापा को नीचे तो बताया था मैंने, पापा को नीचे है, नीचे से ना होते हुए ऊपर। पापा को एक बार हम जरूर सरप्राइजिंग वाले सीन में एक बार मिलाएंगे दूर से, लेकिन इन्फेक्शन का ख्याल रखते हुए मुझे ना बस एक ध्यान देना होगा यार, कि इसके जो मिलवर्म्स है ना, मतलब जो ये कीड़े खाता है, मुझे उसका थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ से लाना है। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो ये खाते ही है, क्योंकि ओमनीवोरस तुम लोगों ने इस पूरी वीडियो में देखा ही होगा, स्टार्टिंग में मेंशन किया था। अच्छा ये बताओ, ये खाली बंदर जाएंगे ऊपर ना, जाली तो यही रह जाएंगे? मतलब ले जाओगे तो खाली बंदर ले जाओगे ना? नहीं अंकल, जाली के साथ ले जाऊंगा, देखते हैं जब ले जाना होगा। नहीं, इसको मैं फिक्स करना चाहता हूं, रस्सी बांधते हैं, इसे हम टांगना चाहते हैं। आओ इधर आओ, ये देखो ये आ गई है अपनी छोटी बहन प्रेमा। प्रेमा इधर आओ, और देखो ये बंदर कैसे लग रहे। तुम आज तक तुमने कभी पहले ऐसे बंदर देखे छोटे छोटे से? दुनिया का सेकंड छोटा बंदर है ये, सही लग रहा है? हाँ, क्यूट है ना फुल। हाँ। तुम खेल सकते हो आराम से, उसका ध्यान रखना बच्चों, तुम्हें ध्यान रखना होगा अच्छे से, है ना? मैं तो आके ध्यान रखूंगा, पर ऑफ कोर्स जिसके घर पे वो तो ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर सकते हैं ना। और एक बार ना इसका
जरा ओपनिंग कहाँ से है धीरज की? अच्छा ये थोड़ा अलग वाला है भाई, एग्जॉटिक मंकी है ये। हाँ वही कह रहा हूँ, ये हाँ। नॉर्मल वाला नहीं, ये दुनिया का सबसे छोटा मंकी में आता है, सेकंड नंबर पे। और मैंने कौन सा खरीदा है, मैं ट्रायल बेसिस पे लेके आया हूँ इसे एक हफ्ते के लिए ना। रकून जैसे लग रहे हैं थोड़े देखने में, उनके भी पूंछ ऐसे होते थोड़े वो, है ना? और काफी अलग सी नहीं है? अरे कुछ गिलहरी जैसी है। हाँ गिलहरी जैसी। ये तो क्या दिखा रहा है, काट लिया है क्या? आंटी को यार अभी मैंने अच्छे दिखाया नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं बढ़िया से। और घर से थोड़ा दूर भी रखना पड़ रहा है, ये थोड़ा इन्फेक्शन वाला सीन है ना। डरते तो अभी यहीं पड़ा हुआ। ठीक लग रहा है भाई, सही है। तो की तरह तो नहीं, वो गाली देते जो नहीं उनकी तरह नहीं। पर भाई इनके लिए थोड़ा कीड़े वीड़े पकड़ लाइए, अगर घर पे कीड़े वीड़े मिले ना। कीड़े कौन से, केचू वाले कीड़े नहीं होते? इधर उसके बाल में। ओए कौन है इधर आ, अपने बाल थोड़ा इधर आ, इधर आ। कीड़े इधर आओ भाई, इनको कैसे ग्रुप में ले लिया आप? तुमने बाल गए तो। हाँ कैसे लग रही है? सही है ना, छोटे छोटे से। हाँ तुम भी एक जमाने में ऐसे छोटे छोटे हुआ करते थे हमारे सामने। ले जाना होगा इसको धीरे, तो पहले खोलना ठीक है, इसको निकालना है। अभी अभी सपोर्ट इसको मिल गया बराबर, अब गिरेगा। ओ सुसु कर, अबे कैसे करते हैं अबे क्या कर रहे हैं? अरे खड़े खड़े सुसु करता है। अंकल भाई सुसु कर दिया यार। ये देखो अभी मैंने इनके लिए ये केले काटे हैं और यहाँ पे ये पानी भर दिया है, ठीक है। और अभी अंकल यहाँ से सेब लेके आ गए हैं। हाँ भाई, हाँ निखिल, हाँ कोई नहीं आ जाना ऐसे ही, क्या दिक्कत है। और ये देखो आप सेब लेके आए हैं, क्या करना है? नहीं नहीं, ये मैंने अभी जस्ट काटा है। अपना सेब को छोटा छोटा काट दीजिए अंकल इनके लिए, और इनके लिए कीड़े जल्दी लेके आएंगे। अभी देखो कैसे भूख बहुत लग रही है ना यार, इनको पहले खाना डाल दो ना। ये देखो मैंने आप इसके लिए सेब केला सब डाल दिया है, ठीक है, एकदम फ्रेश काट के। और आओ अब जरा इसको मैं डालता हूँ, क्योंकि भूख ना बहुत लग रही है। देखो बाहर से भी दूंगा ना, देखो कैसे लेने की कोशिश करें। पास से खाएंगे, पास से पास आइए ना, अभी देना कैसे लेने की कोशिश करेंगे। देखो दे रहा हूँ, एक मिनट वेट करो बस। निकल ये गेट बंद कर दे, ये ना बहुत जल्दी बाहर निकल के भाग जाते हैं और मिलते नहीं है, फिर कैसे टूट पड़ेंगे अब। इनको मैंने सिंघाड़ा भी दिया था रास्ते में यार, था? हाँ थोड़ा बहुत सिंघाड़ा भी खाया था उन्होंने। और ये इनका पीने वाला पानी है, ठीक है, इसको फ्रेश कर दो पानी अभी फ्रेश। बेटा इसको ना थोड़ा सा ये जो है ना, इसको थोड़ा एक जुनून से वैसे कर दो, थोड़ा चमका दो इसे। और ये तुम्हें दिख रहा है अंदर, ये इनका सैडलैक वाला है, ठीक है। तुम जानते हो जब हम कोई डॉग लेके आते तो उसके लिए, पपी के लिए, बेसिकली पपी के लिए हम सैडलैक नहीं देते, तो वही सैडलैक है, ठीक है। तो वो मेरे को मार्केट से लाना होगा बस। ये लो बेचे, अब ये रहा तुम्हारा पानी पीने वाली। हाँ केले खाओ, सेब खाओ, पानी पी के तने रखो, जैसा इनकी मर्जी। पानी पीना है पानी पियेंगे, केले खाना है केले खाएंगे, और मस्त रहेंगे, ठीक है। और सबसे मेन तो ये किया, जो मैंने कपड़ा ले रखा है ना अंकल, दिखाई एक बार, ये तो कपड़ा मैंने लिया है। कपड़ा मैंने इसलिए लिया है कि मुझे ना बोला गया था कि यार ये जो प्रजाति है ना, ये अपना मतलब, ये वैसे तुम जानते हो इसके अंदर सोएंगे है ना फुल अंधेरे में, पर अगर मैं कपड़ा रख दूंगा ना, अंदर घास घूस है तुम्हें दिखाया है मैंने, कपड़ा रख दूंगा तो इनको इंसानों की तरह ना ऐसे कपड़ा ओढ़ के सोने की आदत होती है ना, जैसे रजाई हम ओढ़ते हैं वैसे। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है यार, और कभी मौका मिले तो तुम्हें दिखाऊंगा अभी। लेकिन हाँ चलो, ये कपड़ा मैं फोड़ के डालता हूँ अंदर, अपने हिसाब खोल लेंगे। हाँ अपने हिसाब से कर लेंगे, मतलब इतना समझदार तो है ही यार, क्योंकि हम लोग भी तो ऐसे ही बने हैं ना यार, और इनमें इनको तो कम ना समझो, इनमें भी समझदारी है काफी। कपड़ा ठीक है, तुम देख लो यहाँ पे नीचे घास घूस है, ये कपड़ा मैंने डाल दिया। अब बढ़िया जब भी आएंगे, देखो जैसे ये आ गए देखने के लिए, ओए ओए खुला है, ओ कोई बाहर ना निकल जाए। देखो जैसे मैंने भर दिया, अब इनकी मर्जी के ऊपर है, जाना हो जाएंगे। उसका किलोली लगा हुआ है क्या? ये अंकल ये ऐसे मेरे ख्याल से खोल नहीं सकते, हाँ ये खोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी दबाव देना पड़ेगा यार। अब पता नहीं मुझे इस चीज़, मैं पूछ लूंगा ये चीज़ ना बंदे से जिससे लिया है, कि मुझे तो ऐसे बोला नहीं कि ये खुल जाएगा, लेकिन हाँ देखते हैं, क्योंकि बुरा समय बोल के नहीं आता, इसलिए सेफ्टी बरतना बहुत जरूरी है। ये बात तो है, देखो दोस्त अंदर गया ये, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं अंदर क्या करने वाला है। नहीं आगे वो बाहर आ गया, हो इन्हें प्राइवेसी पसंद है, ठीक है। कह रहे हैं कि इनको अकेले रहने की आदत नहीं है। हाँ सही बात है अंकल, ये बात इसको आवागमन करते रहो तो इसको अच्छे लगे, ठीक है, अच्छे लगने से ये होगा खुशहाल रहेंगे। हाँ, जैसे मैं तो आ ही जाऊंगा, पर तुम लोग भी ना आके थोड़ा ध्यान खेल लेना थोड़ा सा, ऐसे ये बोल रहे हैं। मैं खेल लूंगा, दोपहर में मेरी बहन खेल लेगी। हाँ, 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 क्योंकि तुम्हारा स्कूल भी होता है ना, और फिर बहन तुम्हारी आ जाएगी, वो खेले भी लेगी, कुछ खाने के लिए दे दी, कुछ कुछ कर दी, या खाने खोल के मत देना।
हाँ नहीं तो भाग जाएंगे पता नहीं। खाने के लिए कुछ भी हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है। वैसे मैं रात में आके इनका खाना चेंज कर ही दूंगा, क्योंकि रात के लिए तो अलग मील देना होगा ना, तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा, मैं कर दूंगा। कोई मुझे फोन कर देना, नंबर है ना तुम्हारे पास, मुझे फोन कर देना, और बढ़िया से ध्यान रखेंगे इनका यार। ये हमारे लिए जस्ट लाइक ए मेहमान, वो बिग बॉस में वो अब्दू नहीं है जो दुबई से आया था, तो मेहमान है अपने लिए, वैसे मेरे लिए मेहमान है अभी यार। और कहीं ना कि मैं अपना शौक भी पूरा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मैंने पूरी वीडियो ना बहुत बढ़िया मैंने व्लॉग बनाया था वहाँ से मार्बल सेट मंकी लाने का, ठीक है। और मतलब मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग कहीं ना कि अंदाजा लग रहा होगा कि भाई जब मैंने व्लॉग बनाया था तो मैं ये क्लिप क्यों बना रहा हूँ ऐसे बात की। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई आज बहुत टाइम बाद, मतलब वैसे मेरे साथ होता रहता था पहले, लेकिन बहुत टाइम बाद मेरे साथ दोबारा ऐसा हुआ है कि भाई वो तो फाइल थी ना, वो फाइल यार करप्ट हो गई। अब करप्ट भी देखो, एक ना हम यूट्यूबर ने एक बहुत बढ़िया स्लैंग चुन रखा है, करप्ट हो गई मतलब गायब हो गई, कैमरे की गलती थी, हमने हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया, पर मेरे केस में मेरी गलती थी। मैंने कहा कि यार अपना पिछला ब्लॉग था एक्सोडी पैट चला, अगर तुम लोगों को नहीं देखा तो भाई वो जाके पहले देख लेना। मैंने पहले ना वो वाली क्लिप ट्रांसफर करी थी लैपटॉप में, ठीक है, बाकी जो बची हुई क्लिप थी मैंने रखी हुई अपने कैमरे में, तो ठीक है कर लूंगा इसे। बाकी मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने ट्रांसफर कर ली होगी, अब पता नहीं ये अपने आप डिलीट हुई है मेरे मेमोरी कार्ड में से क्लिप सारी, मतलब फॉर्मेट वाला सीन हो गया है, या तो मैंने खुद करी, क्या सीन, मुझे लग रहा है मैंने खुद ही करी होगी, या तो मुझे 20% ऐसे लग रहा है शायद खुद से भी हो गई फॉर्मेट, करप्ट हो गई होगी, लेकिन एक लग रहा है कि हाँ मतलब मैं हूँ ऐसा कर सकता हूँ शायद, मुझे लग रहा हो मैंने इसमें डाल दिया तो हो गई, और कोई बैकअप नहीं था मेरे पास, समझ रहे हो, बैकअप नहीं रखता मैं ऐसा, अपन अपन अपने भरोसे चलते हैं, और जब अपन अपने और जब मैं खुद अपने आप को धोखा देता हूँ ना तब दिक्कत होती है, तो बैकअप नहीं था, बहुत बढ़िया। मतलब हम वहां से मार्मोशन मंकी लेके आ रहे थे, रात में हम निकले थे पर हम पहुंचे सुबह, तो सीन बहुत थे, मतलब अपन ने होटल ले लिया था, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़े तगड़े सीन हुए थे। लाने तक की क्लिप नहीं है, लाने तक की मैंने थोड़ी बहुत ही बनाई थी, मेन तो मैंने जो जब मैं ले रहा था तब जो डिटेल्स वगैरह थी मैंने वो बनाई थी प्रॉपर वीडियो, तो अब जब मैं घर पे लेके आ गया हूँ तब प्रॉपर मेरे पास पूरी वीडियो है, कैसे कैसे मैंने उसको गाड़ी से निकाला, फिर उसको कैसे कैसे सेटअप किया, ठीक है। और वो तुम लोगों ने कहीं ना कि देख ही ली होगी भाई, तो मैं वही मतलब तुम लोगों ने लग रहा हो गया वो जो लाते उसका मैटर है वो क्यों नहीं दिखाया इसने, तो इसलिए दिखाया क्योंकि गाइस मतलब वो क्लिप भी डिलीट हो गई थी। बाकी जितने लोगों को थोड़े बहुत डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ यार, देखो ये जो मंकी है ये मैंने अभी करंटली ट्रायल बेसिस पे लिया है, ठीक है। अगर मुझे पसंद आया, अगर पसंद भी आया कि अगर मुझे लगा कि हाँ भाई मैं इसको पालने लायक हूँ, तब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बेसिकली मैं इसको अराउंड एक दो हफ्ते के लेके आया हूँ कि हाँ एक दो हफ्ते हम अपना शौक देखें कि हाँ हमारे को कैसा शौक है मंकी को। तुम जानते हो मंकी के लिए कितना क्रेजी हूँ मैं, क्या मुझे ऐसा शौक है कि मुझे मंकी चाहिए ही चाहिए, या तो मुझे ऐसा शौक, या तो मुझे ऐसा कोई शौक तो नहीं बन गया कि मुझे एक दो हफ्ते में शौक पूरा हो गया कि भाई हाँ अब मैं वापस दे देता हूँ। मतलब अपने लिए भी टेस्ट करना है, मुझे अपनी कैपेबिलिटीज भी टेस्ट करना है, अपनी काबिलियत पे कि हाँ भाई मैं इस लायक हूँ कि नहीं उस मंकी के लिए। बाकी थोड़ा अगर तुम लोग रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे इन वीडियोस पे तो फिर हम और सोचेंगे मंकी लेने का, ठीक है, क्योंकि अभी सीरीज ऑफ वीडियोज आएगी अपनी मंकी के साथ ही, मजा आने वाला है। चैनल पे बने रहो, मैं पहले बता देता हूँ भाई बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोज लाइन अप मैंने तैयार कर रखी है, करीब 2 वीडियोज तो मैंने शूट कर रखी है, अब आने वाले दिनों में और वीडियोस बड़े बड़े शूट करता रहूंगा। और देखो जितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, और जरा मुझे डीएम में बताओ कि मुझे और ऐसी कौन सी वीडियोस लाइन चाहिए अपने मंकी के साथ, और जरा फोटो वोटो रील वगैरह डालूंगा अपने मंकी साथ, जरा लाइक वाइक कर देना और थोड़ा प्यार फैलाओ यार, थोड़ा मतलब सपोर्ट दिखाओ यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम पे भी, मास्टर ऑर्डर अपने मेन चैनल पे। बाकी एक और चीज़ यार, मतलब मैं सोच रहा हूँ, मतलब सोच बहुत खुश रहा हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, चलो हाँ ना भी नहीं बताएंगे अपन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, हर किसी को दिखाओ कि यार अपन भारत के पहले यूट्यूबर हैं जो अपने घर में मार्मोसेट मंकी लेके आए। और हाँ मैं बताया तो जितने लोगों को नहीं पता, विद पेपर, ठीक है, पेपर मेरे पास है एक हफ्ते के लिए, मतलब मैंने तो बोर हो गया है ना, मैंने तो खरीदा नहीं, तो पेपर जिसके नाम पे है उसके नाम पे, अपना कोई इसमें सीन नहीं है, पर हाँ अपन एंजॉय करेंगे, तुम लोगों को एंजॉय कराएंगे, तो भाई वीडियोस देखते रहो, ठीक है, जितनी वीडियो आएंगे बाकी देखते रहो, बने रहो मास्टर बटर चैनल पे, बाकी फुल गलत है ना। तो यार मैं मास्टर बटर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।